टेलीकॉम कंपनी में अपनी धाक जमाने के बाद रिलायंस ई कॉमर्स में अपने पैर पसारने जा रही है। रिलायंस कंपनी अमेजोन फ्लिपकार्ट जैसे ई कॉमर्स कंपनी को कड़ी टक्कर देने जा रही है। रिलायंस के रिपोर्ट के मुताबिक रिलायंस कंपनी 2400 करोड़ की डिजिटल होल्डिंग कंपनी शुरू करने जा रही है। ये कंपनी देश में इंटरनेट शॉपिंग के क्षेत्र में रिलायंस को बादशाह बनाने का रास्ता बनाएगी। रिलायंस कंपनी ने होल्डिंग कंपनी में करीब 1,08,000 करोड़ निवेश की मंजूरी दी है। होल्डिंग कंपनी में रिलायंस कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर के जरिए निवेश करेगी। ये सब्सिडी रिलायंस की टेलीकॉम कंपनी जियो इन्फोकॉम में निवेश करेगी। होल्डिंग कंपनी में किए गए 65,000 करोड़ के इक्विटी निवेश का अधिग्रहण करेगी। योजना के मुताबिक सब्सिडी से जियो के मुताबिक हस्तांतरण कई चरणों में किया जाएगा। इससे मार्च 2020 तक जियो कर्ज मुक्त हो जाएगी। जियो पर फिलहाल 84,000 करोड़ का कर्ज है। रिलायंस देश को 9.9 लाख करोड़ मार्केट कैप के साथ ही सबसे बड़ी कंपनी है। अभी रिटेल समेत नए कारोबार में रिलायंस की कमाई में 32% योगदान कर रही है। नए कारोबार अगले कुछ सालों में 50% की योगदान करेगी। रिलायंस पेट्रोल से लेकर पेट्रोल केमिकल तक के कारोबार तक सक्रिय है, लेकिन ताजे कदम से संकेत मिलते हैं कि डेटा और डिजिटल सर्विस भविष्य में रिलायंस ग्रुप के मुख्य कारोबार होंगे। रिलायंस अमेजोन और फ्लिपकार्ट की तरह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म खड़ा करेगी। नई कंपनी बनने से रिलायंस के सभी डिजिटल कारोबार एक ऐप कंपनी के अंतर्गत आ जाएंगे। इसमें माई जियो, जियो टीवी, जियो सिनेमा, जियो न्यूज, जियो सावन जैसे ऐप शामिल हैं। रिलायंस कंपनी के इस पहल से डिजिटल प्लेटफॉर्म निवेशकों के लिए आकर्षक हो जाएगा। नई होल्डिंग कंपनी शुरुआत करने के लिए मुकेश अंबानी नए कारोबार के लिए IPO लाने की तैयारी कर रहे हैं। इस प्रक्रिया को पूरे होने में करीब 5 साल तक का वक्त लगेगा। रिलायंस ने 5 दिसंबर 2016 को जियो की 4G नेटवर्क की शुरुआत की थी। जियो 34.80 करोड़ ग्राहकों के साथ देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है। रिलायंस ने ई कॉमर्स में अपना दबदबा बनाने के लिए अधिग्रहण और हिस्सेदारी खरीद कर पार्टनर्स को अपने नेटवर्क से जोड़ रही है। डिजिटल इकोसिस्टम में कारोबारी संभावनाओं को देख संभावित सऊदी की अरामको कंपनी रिलायंस से जुड़ने के लिए रुचि दिखा रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए आप तक newshindi.com पर जाकर खबर पढ़ सकते हैं या फिर हमारा मोबाइल एप्लीकेशन आ गया, उसे प्ले स्टोर से डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।